यूपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के संजय सेठ और आरपीएन सिंह को छोड़कर सभी को 48 वोट प्राप्त हुए हैं। आरपीएन सिंह को 37 वोट प्राप्त हुए तो वहीं संजय सेठ को 29 वोट मिले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिनका परिणाम घोषित हो चुका है। इस चुनाव में भाजपा ने 8 सीटें जीती जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में सपा की प्रत्याशी जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले हैं। साथ ही सपा के दूसरे उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को भी 40 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ को 29 वोट मिले जिनको उनकी दूसरी वरीयता के आधार पर जीत मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी के संजय सेठ और आरपीएन सिंह के अलावा सभी को 48 वोट मिले हैं। आरपीएन सिंह को 37 वोट और संजय सेठ को 29 वोट हासिल हुए। राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों ने 48 मत प्राप्त किए जिनमें बीजेपी के अमरपाल मौर्य, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और संगीता बलवंत शामिल है। नतीजों की घोषणा होने के बाद यूपी विधानसभा में बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली, साथ ही कार्यकर्ता जश्न के माहौल में नजर आए। बता दे इस राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। भाजपा ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था। जानकारों की माने तो बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ अपनी जीत के प्रति बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। यूपी में निषाद पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पहले भी क्रॉस वोटिंग में जीत हुई है, हमें आवश्यकता से ज्यादा वोट मिलेगी। पीएम मोदी और योगी जी ने अच्छे काम करके दिखाए हैं, सारे विधायक आएंगे और वोट डालेंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। 2017 में भी सपा और कांग्रेस साथ आए थे, इस बार सपा लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी सामने आई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने भाजपा पर विधायकों को धमकी देने का आरोप भी लगाया था। फिलहाल देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को संभाल पाती है या चुनाव से पहले ही साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन मिनट न्यूज़।